उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत जनपद चमोली के इंजीनियरिंग कॉलेज कोठियालसैंण में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉन्क्लेव में 101.15 करोड़ के निवेश पर उद्यमियों ने हामी भरते हुए 55 MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उद्योग विभाग के अंतर्गत 76.27 करोड़ के 33 MOU, उरेडा के अंतर्गत 8.50 करोड़ के 11 MOU और पर्यटन के क्षेत्र में 16.38 करोड़ के 11 MOU हुए। इससे जनपद में करीब 711 से अधिक लोगों को रोजगार सृजित होगा। नए उद्योगों की स्थापना में नीति नियमों में लचीलापन और त्वरित सहयोग के लिए निवेशकों ने सरकार सहित जिला प्रशासन की सराहना की। मिनी कॉन्क्लेव स्थल पर लोकल उत्पादों के स्टॉल भी खासे आकर्षण का केंद्र बने रहे। जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड से बेरोजगारी कम होगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार एक ग्लोबल समिट हो रही है निवेश और इस निवेश सम्मेलन में देश विदेश के कई उद्योगपति हमारे राज्य में जो है बहुत इच्छुक हैं निवेश करने के लिए। आज चमोली जिले के भी जनपद के निवेशकों को हमने बुलाया था, लगभग 101 करोड़ रुपये के MOU यहाँ पे आज बन चुके हैं और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जनपद में भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अभी आने वाले हैं। इतना ही है कि हम जिला प्रशासन की ओर से उनको जो उनकी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करने के लिए हमने कहा है, सिंगल विंडो की बात हमने कही है, किसी को कोई अगर बिजली पानी की दिक्कत है तो भी सरकार की तरफ से हमने कहा है कि हम जरूर उनको जितना भी दिक्कतें होंगी उनकी पूरी की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे अब उद्योगपति बाहरों की तरफ भी आ रहे हैं, विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल वाले भी आ रहे हैं। मैंने